आबकारी विभाग ब्यावर की ओर से सर्किल में आवंटित की गई शराब की दुकानों का आगामी दिनों में विभाग की ओर से दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसको लेकर विभाग की ओर से सर्किल में आवंटित शराब की दुकानों पर जाकर वहां पर उपस्थित दुकान की अनुज्ञाधारी एवं सेल्समैन से चर्चा करते हुए उन्हें दुकान का नवीनीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने शराब की दुकानों में बिक्री हेतु रखी गई शराब को भी चेक किया। आबकारी सर्किल अधिकारी मादाराम मेघवाल ने बताया कि आबकारी विभाग की नीति के तहत जल्द ही सर्किल में आवंटित शराब की दुकानों का नवीनीकरण किया जाना है। मेघवाल ने बताया कि जिसको लेकर सर्किल अधिकारियों के साथ मय जाप्ता सर्किल के पीपला, सरमालिया, ब्यावरखास, लसाड़िया, मालपुरा, दुर्गावास, कोटड़ा, काबरा, नाइकला, तारागढ़, बड़ाखेड़ा, बामनहेड़ा, आसन, बराखन, मालातो की बैर तथा टाटगढ़ सहित अन्य जगहों पर संचालित शराब की दुकान पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दुकानों में बिक्री हेतु रखी शराब की बोतलों को भी चेक किया, साथ ही सभी दुकानों से शराब के सैंपल भी लिए। इस दौरान टीम ने मौके से एक मैकडावल रम, एक मैकडावल विस्की, हीर रांझा एवं किंग फिशर बियर तथा देशी शराब घूमर ब्रांड की 10 पेटी के सैंपल लिए। सीआई मादाराम ने बताया कि इस दौरान उपस्थित सभी दुकानों के मालिकों एवं सेल्समैन से दुकान के नवीनीकरण को लेकर चर्चा करते हुए उन्हें दुकान का नवीनीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान दुकानदारों से दुकान पर अवैध रूप से शराब की बिक्री नहीं करने की नसीहत दी। बड़ाखेड़ा, मलातो की बहर और उनके आसपास के गांवों में अनुज्ञादारों से बातचीत की गई। नवीन अनुज्ञा पत्र के लिए उनसे उनको दिशा निर्देशित किया गया तथा उनके एरिए में अवैध शराब के विरुद्ध दबिशा दी गई। इसी प्रकार ब्यावरवर्त में कोटड़ा, किशनपुरा, नईकला में भी अनुज्ञादारों से नवीनीकरण के संबंध में चर्चा की गई। उनको नवीनीकरण के संबंध में जो भी दिशा निर्देश थे वो बताए गए। नवीनीकरण के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ भी उनसे चर्चा की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर के रेलवे स्टेशन रोड स्थित एक मकान पर मरम्मत कार्य के दौरान मकान का छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने के दौरान मरम्मत कार्य कर रहे दो मजदूर घायल हो गए। ब्यावर शहर में राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय अमेरिका, जापान, जर्मन की मशीनों द्वारा आंखों की जांच, मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर मौर्य आंखों के अस्पताल में किए जाते हैं। जर्मन की लेजर मशीन से आंखों के लेंस की सफाई एवं काला पानी की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एल्पिस माइक्रोफेको तकनीक द्वारा बिना चीरा, बिना टांका, बिना सुई के ट्रॉपिकल से फोर्डेबल, मोनोफोकल से मल्टीफोकल एवं टॉरिक लेंस प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मिलने का स्थान ओपीडी सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 से 1 बजे तक। तो पता नोट कीजिए, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल अजगर बाबा थान के पास सेंद्रा रोड ब्यावर। डॉक्टर मौर्य एमएस फेको सर्जन, 9 गोकुल नगर, कटारिया कॉलोनी के पास गणेशपुरा रोड ब्यावर। मोबाइल नंबर 94142 64461।